कसो दोस्तों, इस वक्त बिश्नीपुर जमा मस्जिद के पास हैं, जहां बकरीद की नमाज अदा हो रही है। अभी एसपी और डीएम यहां पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो नमाज अदा हो रही है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जहां पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके साथ सीआरओ भी हैं और एडिशनल भी हैं, कोतवाल भी हैं। दोस्तों, ये बिश्नीपुर चौराहा है जहाँ बकरीद की नमाज अदा हो रही है। ईदगाह की नमाज अदा हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये बकरीद की जो नमाज अदा हो रही है, यहाँ पे अधिकारियों की भीड़ है और यहाँ पे पुलिस के जवान का पहरा है। करीब 8 बजे यहाँ की नमाज अदा शुरू हुई है। करीब बता रहे तो आधे घंटे यहाँ की नमाज होती है और इस बीच दुआ खानी भी होती है। और जो बिश्नीपुर एरिया है, इसके अलावा आसपास के जो सटे मोहल्ले हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो मैं इस वक्त बिश्नीपुर के पास हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की जो भीड़ लगी है। यहाँ डीएम और एसपी भी मौजूद हैं और एसपी डीएम यहाँ भी मौजूद हैं। सारे अधिकारियों की भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ बिश्नीपुर मस्जिद के सामने सारे अधिकारी अफसर यहाँ मौजूद हैं। जिला अधिकारी भी यहाँ पर हैं, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। और नमाज शुरू हो चुकी है और पीएससी के जवान भी लगे हैं। तमाम पुलिस व्यवस्था और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। और अभी आपने देखा कि ईदगाह की नमाज अदा हुई, अब सीधे यहाँ पे बकरीद की नमाज बिश्नीपुर जमा मस्जिद पे हो रही है। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल इस वक्त बिश्नीपुर मस्जिद के पास हूँ। नमस्कार।